Now let's see question number 7. ठीक है, what is given in this question? Question number 7 में है, a body of mass 4 kg is accelerated upon by a constant force travel a distance of 5 meter. Okay, in the first second and a distance of 2 meter in third second. The force acting on a body is. ठीक है, अगर कोई body है, suppose कोई भी body इस डायरेक्शन में जिसका मास अगर 4 केजी मास का कोई बॉडी है दैट इज ट्रेवलिंग. ओके, 4 केजी मास का बॉडी ये ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, अगर सपोज किसी पॉइंट से ये ट्रेवल करना शुरू किया, ट्रेवल किया एट द जीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इट इज जीरो. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये बॉडी मूव कर रहा है और यहां पर 1 सेकंड में, आफ्टर 1 सेकंड व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इट रीचेस 5 मीटर. ये कितनी कितना दूरी तय कर रहा है? 5 मीटर. मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर. ओके, और अगर हम लोग ये देखें, इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि तीसरे फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट सेकेंड एंड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इज इन द थर्ड सेकेंड. ठीक है, तो ये व्हेन इट रीचेस टू द थर्ड सेकेंड मीन्स टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड. ओके, जब तीसरे सेकेंड पे ये जा रहा है इट रीचेस टू द 2 मीटर, मतलब इस पे ये 2 मीटर का ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर पा रहा है तीसरे सेकेंड में. ओके, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम T1 टू T3, मतलब अगर पहले सेकंड से लेकर तीसरे सेकंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट ये डिस्टेंस जो है 5 माइनस 2 मीटर, मतलब ये टोटल 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ओके, दिस डिस्टेंस. नाउ अब हम लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हमें चाहिए क्या? फोर्स चाहिए. फोर्स के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स हमारा क्या होगा? फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन चाहिए. 4 kg इज द मास. व्हाट वी नीड टू डू? हम लोगों को अब एक्सेलरेशन चाहिए होगा. एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट? तो मास इज 4 kg, एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना होगा. लुकिंग द सिचुएशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग ये काम कर लेते हैं, एक पहले सेकंड में हमारा डिस्टेंस को देख लेते हैं और तीसरे सेकंड में डिस्टेंस को देख लेते हैं. मतलब फर्स्ट सेकंड में अगर डिस्टेंस का इक्वेशन हमारा क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस हमारा कितना? 5 मीटर. ओके, 5 मीटर. 5 इज इक्वल टू यू टी. तो यू इज सेम. तो अगर हम लोग यू को यू रखते हैं, टाइम क्या हो गया? यू टी मीन्स 1 सेकेंड यू टी. और बिकॉज दिस इज अ रिटार्डिंग मोशन तो फोर्स इज कॉन्स्टेंट, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा. और ये रिटार्डिंग मोशन है तो हम लोगों के पास ए हम लोगों को लेना पड़ेगा नेगेटिव, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, टी के जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं और उसका स्क्वायर. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. अब दूसरा कंडीशन हम लोग पकड़ के चलते हैं कि अगर तीसरे सेकंड की बात करें तो तीसरे सेकंड में हमारा डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो रहा है, मतलब तीसरे सेकंड में नहीं, मतलब ड्यूरिंग दिस बिटवीन 1 टू 3 सेकंड की बात हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, बिटवीन 1 टू 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो रहा है. तो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हो रहा है 3 मीटर. कितना? 3 मीटर. ओके, बिकॉज हम लोगों ने यहां से निकाला है. एंड हमारे पास इक्वेशन क्या होगा? तो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये तीसरा सेकंड माइनस इन थर्ड सेकंड माइनस सेकंड सेकंड, अगर हम लोगों ने दूसरा सेकंड को लिया व्हेन टी इज इक्वल टू 2. ठीक है, पहले तो भाई 0 से 1 पे गया, 1 से 2, 2 से 3. ओके, तो अगर हम लोग यहां से टी इज इक्वल टू 2 का पैरामीटर माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द डिस्टेंस इन दिस 3 सेकेंड. तो करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यू टी, टी हमारा यहां पर कितना है? 3 सेकेंड. यू मीन्स 3 यू
माइनस बिकॉज रिटार्डिंग मोशन है, देन हाफ ए, ए रह गया और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी इज 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी टी इज 3, तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, ओके, देन माइनस ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेकेंड में हम लोग इसको ले लेते हैं, यू टी, तो यहां पर यू यू हो गया, टी क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ठीक है, देन माइनस, क्यों, रिटार्डिंग मोशन है, देन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब दूसरे सेकेंड में, मतलब टी इज इक्वल टू 2 इन दिस केस, देन वी कैन राइट हियर 2 का स्क्वायर 4, ओके, ए इंटू 4, ओके, दिस इज आवर अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 से अगर 2 को माइनस कर दें, इफ यू विल माइनस 1 माइनस 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1 माइनस 2 कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड u3 माइनस u2 वुड बी u एंड u माइनस u, मींस ये u का पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट 5 माइनस 3 वुड बी 2, 5 माइनस 3 वुड बी 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, ओके, फर्दर इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, a, हाफ a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, हाफ a, देन हाफ 9a माइनस माइनस प्लस हाफ 4a, ठीक है, तो हाफ 4a माइनस 9a इट वुड बी माइनस 5a, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट हाफ 4a, ओके, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ 4a, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ a, अगर हम लोग a को निकालें तो क्या हो जाएगा, a को 2 हियर हाफ 4a, ओके, विथ माइनस साइन, ओके, यहां माइनस साइन भी आ रहा है, ओके, अगर हम लोग इसको निकालें, देन व्हाट वी विल गेट, इसको सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट a इज इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज 2 2 जा 4, 2 2, ये हम 2 से तो कैंसिल कर सकते हैं, 2, ओके, एंड दिस इज 2, एंड दिस 2, एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल, सो a इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, f इज इक्वल टू एम ए, देन यहाँ पर मास हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है 4 के जी, तो 4 इंटू माइनस 1, ओके, 4 इंटू माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, दैट इज इक्वल टू 4, माइनस 4 बेसिकली, माइनस 4 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया, माइनस 4 न्यूटन, इज इट, तो ये जो हमारा माइनस 4 न्यूटन है आंसर हो गया, बिकॉज दिस मोशन इज रिटार्डिंग मोशन, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रिटार्डिंग मोशन में है, तो हमारा आंसर कौन सा है होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी इज ऑब्जर्व टू फॉल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.5 मीटर पर सेकेंड, द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर ऑन द बॉडी इज, अच्छा हमें अपोजिंग फोर्स निकालना, ओके, ठीक है, एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, एंड अगर ये कोई बॉडी है, वो उसका द बॉडी जिसका मास कितना है 0.05 केजी, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, और ये फॉल हो रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 9.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये फॉलिंग एक्सेलरेशन, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 9.5 मीटर पर सेकेंड, 9.5 मीटर पर सेकेंड, सो a इज इक्वल टू 9.5 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, ओके, अभी और इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक mg फोर्स एक्ट करेगा, ओके, दिस इज एन mg फोर्स, वो इसके ऊपर
एक्ट करेगा। फर्दर आपसे बोला जा रहा है फॉल विथ एन एक्सीलरेशन एंड द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अपोजिंग फोर्स किधर लेगा, इट विल गोस अपवर्ड। ठीक है, बॉडी अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो अपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, किसका, एयर के, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स। सपोज दिस इज द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर, अगर हम लोग इसको फोर्स ऑफ एयर कह लें। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, देन कैन वी राइट डायरेक्टली, वी आर हैविंग द फॉर्मूला, वी आर नोइंग दिस अपोजिंग फोर्स। अगर हम लोग एफ एयर की बात कर लें, कुछ भी हो सकता है, टेंशन फोर्स अगर लग रहा है तो टेंशन फोर्स, और एनी अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन, वॉट एवर एट अपर डायरेक्शन, तो एफ एयर वुड बी एम इंटू, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जी का पोजीशन क्या होता है, जी हम लोग क्या लेते हैं, जी जी लेंगे, एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जी माइनस ए। ठीक है, अगर अपवर्ड हो रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, एम इज इक्वल टू जी प्लस ए, बिकॉज दिस इज, दिस बॉडी इज मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लग रहा है, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। एम आपके पास गिवन है, दैट इज 0.05 के जी, एम इज गिवन 0.05 के जी, जी आपके पास कितना गिवन है, 9.8, जी हमें 9.8 लेना है, एज इट इज गिवन इन प्रॉब्लम 9.8, माइनस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 9.5, ओके 9.5 इज एक्सेलरेशन। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट, 9.8 मींस दैट इज द पॉइंट 0.05 इंटू 0.3, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ओके 5 0.00, ठीक है 0.05 3 0.3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.015, व्हाट इज दैट, न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स है, दैट दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। दिस इज द अपोजिंग फोर्स विच वर्क ऑन द बॉडी अंडर दिस सिचुएशन। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, देन वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एम इज इक्वल टू जी माइनस ए। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, देन वी कैन टेक एम इज इक्वल टू जी प्लस ए। ठीक है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8।